आज हम बनाएंगे मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लौकी के लड्डू, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी है। ये लड्डू इतने टेस्टी है और सॉफ्ट है कि आप इसे रेफ्रिजरेटर में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और वैसा ही वैसा टेस्ट रहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशाज कुकिंग। रेसिपी देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब हम रेसिपी बनाना चालू करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितनी लौकी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो के पील कर ली है। आपको फ्रेश और सॉफ्ट लौकी लेना है, जिससे इसका बीज ना आए और बहुत अच्छे से लौकी के लड्डू बनके तैयार हो। अब मैं इसे बीच में से ऐसे कट कर लूँगी। अभी गर्मियाँ चल रही है और लौकी भी बहुत फ्रेश आती है, इसलिए आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक जाली वाला जो कद्दूकस का मशीन आता है वो लिया है। इसे बहुत अच्छे से लड्डू बनके तैयार होगे। अगर लौकी में आपका बीज हो तो आपको बीज को निकाल देना है और ऊपर ऊपर से ही आपको उसको कद्दूकस कर लेना है, जिससे बहुत अच्छे से लौकी के लड्डू बनके तैयार होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, ये बीच में से बीज निकला है तो मैं इसको साइड में रख दूँगी और इसको मैं सब्जी बनाने में यूज कर लूँगी। इसी तरह सारी लौकी को हम कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम लड्डू बनाने के लिए चालू करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे से भारी तले वाली को कढ़ाई ले ली है, इसको गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच जितना घी डालेंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है लड्डू में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे। लौकी डाल के हमें मीडियम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक इसे सौते करना है, जिससे इसका पानी निकलेगा, उससे ही लौकी अच्छे से गल जाएगी और अच्छे से लड्डू बनने के लिए रेडी हो जाएगा। ये लौकी का लड्डू 2 चम्मच घी से ही बनने वाली रेसिपी है। इससे आप बहुत जब चाहे मन तब आप बना सकते हो और बहुत ही अच्छा और टेस्टी ये लड्डू बन के तैयार होता है। वैसे लौकी खाने में भी हेल्दी है, इसे आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। 2 से 3 मिनट हो गई है, देखो लौकी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें 1/4 कप जितनी चीनी डालेंगे। चीनी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब चीनी डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसी स्टेज पर हमारी लौकी कच्ची होगी तो चीनी से जो पानी निकलेगा उसी से लौकी अच्छे से पक जाएगी। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट हो गई है तो चेक करके देखो, लौकी में अच्छे से पानी ऐसे सेपरेट होने लगा है, तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर ही हमें पकाना है, जिससे लौकी कच्ची ना रहे और अच्छे से पक जाए। 2 मिनट के बाद लौकी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे। कलर डालना ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो ही डालना, नहीं तो ऐसे ही बहुत अच्छे से लड्डू बन के तैयार होते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। देखो अच्छे से मिक्स हो गया, कलर भी बहुत अच्छा लगने लगा है। अब हम इसमें 1/2 कप जितना मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से खोया जैसा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होंगे। यहाँ पर हम 1/2 कप जितना कोकोनट पाउडर डालेंगे। अब हमें सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिल्क पाउडर और कोकोनट का पाउडर डालने से बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। आपने लौकी का हलवा तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन ऐसे एक बार लड्डू बना के खाना बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। आप इसे एक बार बनाओगे तो बार बार भी लड्डू बना के ही खाओगे और आप इसे व्रत में भी खा सकते हो। 2 मिनट के बाद देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट के बाद चेक करेंगे तो अच्छे से देखो ये कलर भी आ गया है और अच्छे से लौकी भी पक गई है। अब हमें सबको अच्छे से पहले मिक्स कर देना है और 2 मिनट तक और भुनना है। इसे बहुत ही अच्छे से लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएगा और अपने आप ही पैन छोड़ने लगेगा, तब समझना है कि ये लड्डू बनने के लिए तैयार है।
आपको पसंद हो तो आप इसी स्टेज पर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। अब हम इसमें एक चम्मच घी और डालेंगे, इससे बहुत ही टेस्ट और बढ़ जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा। घी डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, इससे बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और आप इसे हफ्ते से 10 दिन तक इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी उसका चेंज नहीं होगा। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसी स्टेज पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। घी डाल के 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, तो देखो ये पैन छोड़ने लगा है, तो ये लड्डू के लिए तैयार है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 मिनट हो गई है तो ये अब ठंडा हो गया है, तो अब हम लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हम पहले हाथ में ऐसे घी लगा लेंगे जिससे हमारे लड्डू अच्छे से बन के तैयार हो। ऐसे एक हाथ से ही आप इसे छोटे छोटे लड्डू बना सकते हो, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके बाद हम इसे कोकोनट पाउडर में ऐसे कोटिंग कर लेंगे जिससे बहुत ही अच्छे दिखने में भी लगेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। आप इसी तरह सारे लड्डू को बना देना। आप इस लड्डू को बना के भगवान को भोग भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ही हेल्दी है और ऐसे व्रत में भी खा सकते हैं, तो आप भगवान को भोग में भी लगा सकते हो। मैंने सारे लड्डू को बना दिया है, बनाए ना एकदम देखते ही खाने का मन हो ऐसे लड्डू की रेसिपी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसे बने थे। एकदम टेस्टी और हेल्दी, देखते ही खाने का मन हो ऐसे लौकी के लड्डू बन के तैयार है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।